अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से विंडोज़ 11 को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है अनसपोर्टेड हार्डवेयर पे। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे विन 11 डाउनलोड और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ 11 को डाउनलोड कर लेंगे। ये ऑफिशियल आया सर, आपने इसको बस सिंपली क्लिक करना है और यहाँ से लैंग्वेज और अपना रीजन सेलेक्ट करके उसे डाउनलोड कर लेना है। और ये इस तरह से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। इसे डाउनलोड करने के बाद आपने एक और टूल डाउनलोड करना है जो कहलाता है रफस। ये यूएसबी को बूटेबल बनाने के लिए चाहिए होता है, तो आपने इसको डाउनलोड करना है। और इसके साथ आपको यूएसबी चाहिए मिनिमम 8 GB की, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी हो सकती है बट मिनिमम 8 GB। और इस एप्लीकेशन को आपने ओपन कर लेना। फिर यहाँ पे आपने अपनी ISO फाइल सेलेक्ट करनी है। जस्ट अ सेकेंड, मेरी ज़रा ISO फाइल नेटवर्क लोकेशन पे स्टोर्ड है तो मैं उसको वहाँ से ही करूँगा। या आपने आपकी जहाँ पे भी फाइल स्टोर्ड हो आपने वहाँ से उसको कर लेना है। ओके, तो जो जहाँ पे भी आपकी विंडोज 11 की ISO है आपने उस पर डबल क्लिक करना है और ये इमेज को स्कैन करेगा। उसके बाद आपने अपना पार्टीशन स्कीम रखनी है, MBR या GPT। अगर आपकी जो मशीन है वो थोड़ी पुरानी और आउटडेटेड है, जैसे कि 2014 से पहले पहले ही किया, तब आप MBR रखें, अदरवाइज आप GPT पार्टीशन को सेलेक्ट करें। और उसके बाद आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये मतलब विंडोज़ 10 के अंदर 11 के अंदर रिक्वायरमेंट है कि TPM 2.0 होना चाहिए, सिक्योर बूट होना चाहिए, रैम होनी चाहिए 4 GB से ज़्यादा। तो आप इस रिक्वायरमेंट को रिमूव करने के लिए इसको टिक करें, और ऑनलाइन अकाउंट भी ना हो उसके लिए ये टिक करें, एंड आप बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र अकाउंट चाहते हैं तो उसके लिए इस पर क्लिक करते हैं। तो हमें इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, इसका नाम चलें ठीक है। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपने इसको यहाँ से भी ओके कर देना है। एंड डिपेंडिंग अपॉन योर यूएसबी स्पीड, ये आपकी जितनी भी इमेज है यूएसबी में बूटेबल बन के आपकी यूएसबी रेडी हो जाएगी। थैंक यू।